नमस्कार दोस्तों, AKB टेक्निकल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो एम्पलीफायर के ऊपर में है। ये एम्पलीफायर मिनी एम्पलीफायर है दोस्तों, और इसमें MP3 Plus में कार्ड रीडर भी लगा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं MP3 का मॉड्यूल लगा हुआ है दोस्तों। तो अभी ये काम नहीं कर रहा है और इसका फॉल्ट फाइंडिंग आज हम लोग करने वाले हैं। तो पहले तो इसे हम लोग खोल लेते हैं दोस्तों। कोई भी एम्पलीफायर हो तो उसको किस तरह से जी तरीके से हम लोग बनाएंगे वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसे अभी हम खोल लेते हैं, खोल के देखते हैं अंदर में क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये खुल गया और इसका जो सर्किट है दोस्तों, ये लग रहा 4440 का IC का जो है एम्पलीफायर बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे लगभग 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। यहाँ पे एक माइक है और 6 वॉल्यूम लगा हुआ है, यानी कि 3 वॉल्यूम एक साइड चैनल के लिए है और एक साइड चैनल के लिए 3 वॉल्यूम, यानी कि 2 IC जो है हमारा दोस्तों, यानी कि डबल स्पीकर के लिए है। एक आईसी हमारा एक स्पीकर में काम करेगा और एक आईसी जो है वो अलग स्पीकर में काम करेगा। तो इसको चेक कैसे हम लोग करेंगे, तो अभी हम क्या करते हैं, एक स्पीकर जो है छोटा सा स्पीकर अभी हम यहाँ पे लगाते हैं इसके आउटपुट में। और आउटपुट में हम लोग पहले क्या चेक करेंगे दोस्तों, कोई भी एम्पलीफायर हो तो एम्पलीफायर को चेक करने का जो तरीका है वो आज मैं बताऊंगा। कोई भी एम्पलीफायर में आपको सबसे पहले उसका ऑडियो यानी कि ऑडियो चेक करना है। ऑडियो यानी कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ऑडियो ऐसे बताने से नहीं पता चलेगा, उसका आवाज़ सुन के आपको पता चलेगा। तो अभी अभी हम इसे ऑन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये ऑन हो गया हमारा, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा ये, ठीक है। तो अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये रहा हमारा, ये वॉल्यूम को थोड़ा सा तेज करेंगे दोस्तों, और इस तरह से देखिए ये जो मेन वॉल्यूम होता है दोस्तों, उसका जो बीच वाला पार्ट होता है वो हमारा ऑडियो होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। दूसरे साइड में करेंगे तो ये देखिए, ये स्पीकर से देखिए इस तरह का आवाज़ आ रहा है। तो ये आवाज़ अगर आ रहा है दोस्तों, तो समझ जाइए कि आपका ऑडियो सेक्शन जो है, ये बोर्ड जो है, आईसी हमारा जो है वो ठीक है, ठीक है। और इसमें जो इनपुट है दोस्तों, वो इनपुट इसमें नहीं जा रहा, इसलिए हमारा जो है ये एम्पलीफायर जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो एम्पलीफायर को इनपुट कहाँ से मिल रहा है दोस्तों, हमारा यहाँ से मिल रहा है। देखिए ये जो MP3 मॉड्यूल है, इससे इसको इनपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे अभी हम मोड चेंज करते हैं दोस्तों, मोड अभी देखिए 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 ब्लूटूथ ये पकड़ा और ये FM मोड है, और FM मोड को सेलेक्ट करते हैं। देखिए FM हमारा बज रहा दोस्तों, लेकिन जब हम इस पेन ड्राइव से बजा रहे हैं तो नहीं काम कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे USB है, USB से ये रीड नहीं कर पा रहा है। तो इसका कारण क्या है वो आज हम लोग देखते हैं। जैसे मोड को हम जैसे ही चेंज किए तो यहाँ पे रीड में दिखाया, ठीक है। रीड यानी कि इस USB से ये रीड करेगा सिग्नल को, ठीक है। सिग्नल को रीड करने के बाद ऑडियो सेक्शन में भेजेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे रीड नहीं कर पा रहा दोस्तों। यहाँ पे जब निकाल भी देते हैं और फिर से लगाते हैं, फिर भी ये रीड नहीं करता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों ने भी फेस किया होगा दोस्तों। तो इसका कारण क्या है, देखिए ये जो USB ड्राइव है दोस्तों, ये इसमें देखिए एक चिप लगा हुआ है, ठीक है। ये चिप लगा हुआ है, चिप को क्या करेंगे हम लोग, निकाल कर फिर से लगाएंगे, फिर देखेंगे ये रीड करता है कि नहीं। यहाँ से देखिए हम चिप को निकाल रहे हैं दोस्तों, चिप
चिप निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है इससे। चलिए देखिए, ये चिप हमारा निकल गया, ये 8 GB का चिप है दोस्तों। और इसे फिर से अच्छी तरह से हम लोग लगाते हैं, लगा कर चेक करते हैं ये हमारा जो है बचता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया, और इसे फिर से हम यहाँ पे लगा देंगे और देखेंगे रीड करता है कि नहीं। देखिए USB ड्राइव को ये सेलेक्ट किया, लेकिन ये देखिए रीसेट हो जा रहा दोस्तों, अपने आप ये चेंज हो रहा है, यानी कि इस USB को ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा दोस्तों। जैसे ही हम यहाँ पे चेंज भी करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं होगा, देख रहे हैं कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा, ठीक है। और जैसे ही इसे निकालेंगे दोस्तों तो देखिए ये अपने आप फिर से सही से काम करना चालू कर देगा, देखिए ठीक है। तो इसे ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, अपने पेन ड्राइव को इसे चेंज करना होगा। अगर ये नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप इस कार्ड को भी लगाकर इसे बजा सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे देखिए एक TF कार्ड दिया हुआ दोस्तों, TF कार्ड में जैसे ही इसे हम डालेंगे इसे अपने आप ये रीड कर लेगा, जैसे मैं अभी डालता हूँ यहाँ दोस्तों। और डालने के बाद देखिए अभी ये इस कार्ड से बजने लगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसका ट्रैक भी चेंज करना चाहे तो आप ट्रैक भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से, इसका ट्रैक को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से आसानी से हमने इसे बना लिया दोस्तों। सिर्फ हमारा ये पेन ड्राइव का फॉल्ट था, इसमें पेन ड्राइव के चलते ये जो है MP3 प्लेयर जो है वो हमारा बज नहीं रहा था, काम नहीं कर रहा था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।